गाइज, मैंने ग्रेनारो का डुअल वायरलेस माइक ऑर्डर किया था अमेजोन से, जो कि आज रिसीव हो गया है। सो आप देख सकते हो, इस पैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ और देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कि कैसा है अनुभव। एक्चुअली मेरे पास वायर वाला माइक था एक ऑलरेडी पहले से, बट आउटडोर शूट के लिए वो कामयाब नहीं था, तो मैंने इसलिए इसको मंगवाया है। देखते हैं ओपन करके क्या है इसके अंदर, ये बिल वगैरह है और इसमें प्राइस मेंशन कहीं है नहीं, एक छोटा सा स्टिकर लगा है येलो कलर का, तो यही प्राइस मेंशन अलग से किया हुआ। और बाकी देखते हैं ओपन करके इसमें क्या कैसे क्या है। यूट्यूब में काफ़ी मैंने देखा था उसमें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये है ग्रेनारो J13 मॉडल है एक्चुअली। सो ओपन करने के बाद ये देख सकते हो आप, इसका वारंटी कार्ड, ठीक है। इसमें आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जो इस तरह से है, यूज़र मैनुअल पढ़ना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। और उसके बाद अभी निकालते हैं इसको, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है, ये मिलेगा आपको। ये दो ट्रांसमीटर है, इसको मैंने दो वाला मंगवाया, इसमें एक वाला भी आता है। अगर आप एक वाला लेना चाहते हो तो इसे और भी सस्ते पड़ते हैं, बट ये दो वाला मैंने मंगवाया, चूँकि बार बार कौन मंगवाता है, एक बार अगर आ गया तो ठीक है, अपना यूज़ करते रहेंगे। ओके, सो ये दोनों है, ये दोनों ट्रांसमीटर है, ये आप देख सकते हो, दो ट्रांसमीटर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटा सा जो है हॉल है, एक्चुअली ये ना लाइटिंग आती है इसमें से, ठीक है, जब हम उसको ऑन करेंगे तो लाइटिंग आएगी। यहाँ पे माइक है और यहाँ पे जो है ये चार्जेबल के चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए बेसिकली होता क्या है, अभी क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर ले करके इसको हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो ये चार्जिंग के लिए ना ये पोर्ट होता है यहाँ पर चार्ज के लिए, ठीक है। और ये भी है चार्जिंग के लिए, अभी यहाँ पर लाइट ऑन हो गया, ठीक। और ये जो है ये रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को हम यहाँ पर रखेंगे और हम चाहें तो यहाँ से भी चार्ज करते हैं, ये सी टाइप है तो यहाँ से भी हम चार्ज कर सकते हैं। और नहीं, अगर हमें लगता है कि हमें चार्ज नहीं करना है, सिंगल सिंगल करना है, कभी आप यूज़ कर रहे हैं या ये आपके पास नहीं है, ठीक है, तो ये अगर कैप इसका नहीं है होल्डर, तो हम क्या करेंगे कि अभी देखो इसको खोल के क्या सब निकलता है इसमें, हम देखते हैं अभी। सो इसमें वायर निकला है, चार्जिंग केबल है, और चार्जिंग केबल में जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें है क्या, दोनों हम चार्जिंग केबल यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्जिंग केबल हम डायरेक्ट यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से यूज़ कर लिया, दूसरे में हमने ये लगा दिया, ये यूज़ करने के बाद और हम चार्जिंग में लगा देंगे तो दोनों एक साथ चार्ज होगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि देखो इसमें हम चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज कैसे करेंगे तो मैं आपको चार्ज दिखाता हूँ कि अभी देखो चार्ज कैसे होगा। ये इसमें हमने क्या किया, साथ साथ इसमें ये भी लगा दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये चार्जिंग, आप ये देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उस समय हमें दोनों काम ज़रूरी है, क्या करें अभी। तो आप साथ साथ चार्ज भी कर सकते हो अपने पावर बैंक के थ्रू। और इसको ऑन करते हैं और ये ऑन करने के बाद ये देखो लाइट ब्लिंग होने लगी, लाइट जलने लगी, ठीक है। बट ये ना ओनली ग्रीन, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन जलेगी ओनली तब ऑन होता है, अभी ऑन नहीं हुआ ये। तो अभी ग्रीन होने के लिए देखो अभी क्या करना पड़ेगा कि हमें ना OTG से इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, उसमें मैनुअल में भी लिखा हुआ यूज़र मैनुअल में कि यदि ये डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज़ नहीं हो पा रहा है तो आप इसको OTG के थ्रू कर सकते हो, या तो थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ओपन कैमरा है तो ओपन कैमरा के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम अभी देखो OTG के थ्रू हम करके देखते हैं। OTG को हमने ये ऑन कर दिया, अब जैसे ही ऑन किया तो आप यहाँ देखोगे कि ये ग्रीन लाइट जलने लगी, राइट, तो ये कनेक्शन हो चुका है। तो अभी हम डायरेक्टली ना अब इसकी आवाज़ देखते हैं कि इसकी आवाज़ है कैसी, ठीक है। तो गाइज, इसकी आवाज़ देखने के लिए हमें अपने माइक को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, अपने माइक को, अभी जो माइक है उसको डिसकनेक्ट करता हूँ और इसको यूज़ करके देखता हूँ कि इसकी आवाज़ है कैसी। हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तो गाइज, ये है, इसमें आवाज़ देखो वाइब्रेशन आ रही है, दैट मीन्स क्या, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि इसको हम आवाज़ को दूसरे तरीके से चेक करते हैं
कि ये आवाज़ इसमें, जैसे आप ये सिंगल देख रहे हो, यहाँ पे बटन को एक बार क्लिक करेंगे ना, तो एक बार क्लिक करने के बाद ये जो है नॉइज कैंसिलेशन, इसमें सब एक बहुत ही अच्छी अच्छा फंक्शन है कि ये नॉइज कैंसिलेशन करता है। और नॉइज कैंसिलेशन का भी जो फंक्शन है ना, वो लेवल 3 तक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अभी लेवल 1 करके देख लीजिए कैसा हो रहा है ये। हेलो हेलो, तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ और आपको जो फैन चल रहा है वो फैन की आवाज़ देखो आप, लेवल 1 पे ये ऑलरेडी है अभी। अब लेवल 2 देखते हैं कि लेवल 2 नॉइज कैंसिलेशन कैसा है। तो गाइज ये था नॉइज कैंसिलेशन लेवल 2। ओके सो अब देखते हैं नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 कैसा दिखता है, कैसा लगता है, उसका फील करके देखते हैं एक बार। तो गाइस देख सकते हो आप, बिल्कुल इधर रीडिंग कम, बिल्कुल ये वाइब्रेशन बन रहा है ना, ये बहुत ही कम हो गया था। और ये नॉइज कैंसिलेशन 3 है अभी, यानी टॉप लेवल का नॉइज कैंसिलेशन है, लेवल 3 पे है ये। और अब इसको हम फिर नॉर्मल मोड में आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं, ठीक है, ये नॉर्मल 3 नॉर्मल मोड में है। अब इसमें एक फंक्शन और है, इसमें इको साउंड भी आता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा साउंड, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए चलो तो देखते हैं एक बार। ये जो बटन है इसको कंटिन्यू 3 बार प्रेस करना पड़ता है, 1 2 3। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अब इसको बाहर आने के लिए भी 3 बार कंटिन्यू 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। तो गाइस ये था आवाज़, अब मुझे नहीं पता कि कैसा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो मुझे सुनने के बाद ही पता चलेगा, अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी ऐसा है, ये जो देख रहे हो आप, इसके पीछे देखो एक ना पुरानी वाली पोर्ट लगी हुई है, जो 3.5 जैक होता है उसका लगा हुआ है, इसके दोनों के पीछे वही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, एक्चुअली क्या है कि हम इसको चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें लगा दिया हमने, और जब लाइव रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, उस टाइम हम इसमें लगाने के बाद हम ये देख सकते हैं लगा के कान में कि हमारी रिकॉर्ड लाइव में कैसी आ रही है। अभी क्या है कि जो भी आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ उसको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ये मैं बाद में सुनूंगा कैसा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जब आप मान लो वीडियो बना रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो, शूट कर रहे हो कुछ भी, उस टाइम आपको लगता है कि यार ये शूट करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ, और बाद में मुझे पता चलेगा जब शूट का सेटअप हटा देंगे, सेटअप हटाने के बाद फिर अगर मुझे आवाज़ ही अगर सही नहीं आया, रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, फिर दोबारा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो उसी टाइम क्या है कि आप इसमें 3.5 का जैक लगाओ और कान में अपना लीड लगाओ, लीड जिसको बोलते हो आप, हैंड फ्री लगा के आप सुन सकते हो उसी टाइम कि हाँ आवाज़ हमारी कैसी आ रही है। आप अगर सेटिस्फाइड हो देन ओके, अगर नहीं है तो फिर से सेटिंग करके आप अच्छे वॉइस के लिए आप सेटिंग कर सकते हो दोबारा से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर लगा सकते हो, दो चीज़ें हैं, दो हैं इसमें, ठीक है। तो क्या है कि जो मान लो आप अगर ये चीज़ बोल रहे हो, कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हो आप, तो आपको भी, आप भी लगा के ये चीज़ें सुन सकते हैं, यहाँ पर भी ये लगा के आप भी सुन सकते हैं, आपका माइक ये लगा हुआ है, ठीक है, और लगा के आप इस चीज़ को इसमें 3.5 जैक हैंड फ्री लगा के कान में सुन सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ तो कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है, इस वॉइस को आप सुन सकते हैं। तो अब जो है हम बाहर चल के एक बार देखते हैं कि ये इसका डिस्टेंस का रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है। तो गाइस अभी ना हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे मैं कैसी आवाज़ आ रही है। तो मैं फ़िलहाल अभी जो है जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है इसका, तो मैं ओपन कैमरा, थर्ड पार्टी या ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और हम देखते हैं कि कितनी दूर से का कनेक्शन ले रहा है ये। Thank you.
तो ये लगभग तकरीबन मैं आ चुका हूँ 20 फीट पे खड़ा हूँ मैं, अभी 20 फीट के खड़ा हूँ, अभी और दूर जाके देखते हैं कैसा आ रहा है। गाइस मैं करीब 40 से 45 फुट पे खड़ा हूँ इस टाइम, और तो मेरे ख्याल से आवाज़ अच्छी आ रही है, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है बहुत सारे लोगों ने जो रिव्यू दिया है, जब वो बैक मुड़ता है या कैमरा बैक मुड़ता है तो आवाज़ अच्छी नहीं आती है, आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है, फ्रंट में बहुत अच्छा आवाज़ आता है। तो अभी देख रहा हूँ आवाज़ कैसी आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं लगभग समझ लो कि 70 फीट के आसपास आ चुका हूँ, 70 फीट से ऊपर हो चुका है, 70-80 फीट भी कह सकते हो, 100 फीट के आसपास आ चुका हूँ इस टाइम। और कैसी आवाज़ आ रही है आप लोग बताना, अभी इस टाइम मैं बिल्कुल सामने आ रहा हूँ इस टाइम, देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। सो गाइज ये कैमरा इस प्राइस में ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस टाइम, और काफ़ी रिव्यू है, तो काफ़ी रिव्यू होने की वजह से मैंने इसको जो है बाई किया है। चूँकि क्या है कि मेरे पास एक ऑलरेडी कैमरा था, माइक था, वो भी मैंने खुद बनाया था वायर वाला माइक, जिसमें लगभग 10-12 मीटर का वायर यूज़ कर रहा था मैं, बट वो भी स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में वीडियो को जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वही, उसमें कुछ ना नॉइज सी आ रही है और कुछ टिक 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 की आवाज़ भी अजीब सी आ रही है, तो सो दैट की मतलब उतना कामयाब नहीं है। बट ब्लॉग वगैरह के लिए तो वायर वाली तार ठीक है, वायर ठीक है, बट ये माइक जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सही होता है, जैसे आउटडोर शूट कर रहे हो, कोई फिल्म बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो सबके लिए बहुत अच्छा है, और डुअल माइक है सबसे बड़ी बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट करके बताओ, थैंक यू।